हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है साउथ एशियन लिटरेचर इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि साउथ एशियन लिटरेचर है क्या इस लिटरेचर के अंदर इंपॉर्टेंट थीम्स कौन से हैं इम्पोर्टेंट राइटर कौन से हैं और उनके इम्पोर्टेंट वर्ग्स क्या क्या हैं तो वक्त ज़्याक किए बगैर वीडियो शुरू करते हैं साउथ एशियन लिटरेचर को देखने से पहले हम देख लेते हैं कि लिटरेचर क्या होता है Literature refers to written or spoken works like books, poems, plays and essays that express ideas, emotion and experiences through the language. It's a way for people to share stories, thoughts and insights with others. Any piece of writing that could be in the form of poem, play, essay or book that expresses the idea or emotion is a literary work, okay? Then literature is a mirror of life. It reflects the life of the particular region where it is written. इट प्रोवाइड इनसाइट इन टू वेरियस अस्पेक्ट ऑफ दैट सोसाइटी कल्चर इंडिविजुल प्रस्पेक्टिव अलाइंग रीडर टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द वर्ड थ्रू द नरेटिव एंड करेक्टर प्रजेंटेड इन लिटरेरी वर्क तो किसी भी पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करने वाला लिटरेचर जो है वो उस माशरे के कल्चर लैंग्वेज लोगों के नजरियात की अक्सी करता है इसी तरह रीजन के हिसाब से हमारे पास लिटरेचर की टाइप्स में आ जाता है वेस्टर्न लिटरेचर ईस्टर्न लिटरेचर एफ्रीकन लिटरेचर अमेरिकन लिटरेचर मिडल ईस्टर्न लिटरेचर और साउथ एशियन लिटरेचर अब हम देखते हैं कि साउथ एशियन लिटरेचर क्या है उसको साउथ एशियन लिटरेचर क्यों कहते हैं साउथ एशियन लिटरेचर रेफर्स टू द लिटरेरी वर्क प्रोड्यूस बाईर फ्रॉम द साउथ एशियन रीजन अब साउथ एशियन रीजन कौन सा है इसमें सात कंट्रीज हैं इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका नेपाल भूटान एंड मालदीव जो भी लिटरेचर साउथ एशियन रीजन से बिलोंग करता है इन सात कंट्री में लिखा गया उसको क्या बोलते हैं साउथ एशियन लिटरेचर आप हम आगे इसको पढ़ने से पहले एक चीज समझ लेते हैं कि ये जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, ये सारे कंट्रीज सेम कॉलोनियल बैकग्राउंड शेयर करते हैं एक्सेप्ट भूटान एंड नेपाल के ये सारे कंट्रीज जो है वो कॉलोनाइजेशन के जरिए वजूद में आए, इन पर ब्रिटिश ने कब्जा करके रखा और बाद में जब ये कंट्री वजूद में आए तो तो लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में माइग्रेशन की इन लोगों पर कोलोनाइजेशन और माइग्रेशन का बहुत ज्यादा असर पड़ा इसलिए इनके वर्क्स में प्रोमिनंट थीम में कोलोनाइजेशन माइग्रेशन आइडेंटिटी क्राइसिस ये इंपॉर्टेंट थीम्स होते हैं अगर आपके लिए कलोनाइजेशन वर्ड न्यू है तो मैं आपको समझाती हूँ कॉलोनाइजेशन वर्ड कॉलोनीलिज्म से निकला है कॉलोनियलिज्म द कंट्रोल ऑफ वन पावर और कंट्री ओवर द अदर पावर ठीक है कोई भी एक रियासत दूसरी रियासत पर अगर कब्जा कर लेती है पावर के दम पर तो उसको क्या बोलते हैं कॉलोनियलिज्म ठीक है और वो लोगों को फिर जब अपनी मर्जी से वहाँ पे कॉलोनीज बना के उनको रूल करती है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं कॉलोनाइजेशन और जिस पॉलिसी के तहत वो ये सब कुछ करते हैं उसको क्या बोलते हैं इम्पीरियलिज्म तो कॉलोनाइज़ पीपल पर इम्पीरियल के काफ़ी असरात थे जैसे हमने पढ़ा है कि लिटरेचर इज़ मिरर ऑफ़ लाइफ तो साउथ एशिया के लोग जो कि इतनी चीज़ों से गुजर रहे थे उनके लिटरेचर में भी ये उनकी सफरिंग्स जो है वो ज़ाहिर होती हैं एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो साउथ एशिया के लोगों की रीजनल लैंग्वेज तो नहीं थी ये तो उन लोगों की लैंग्वेज थी जिन्होंने इनको कंट्रोल कर रहे थे तो जब साउथ एशियन राइटर्स ने लिटरेचर लिखना शुरू किया तो फर्स्ट फेज में उन्होंने अपनी इम्पीरियल पावर को कॉपी करना शुरू कर दिया वो ख़ुद से लिटरेचर नहीं लिखते थे बल्कि उसको इमिटेट करते थे जो ग्रेट इंग्लिश uh, हमारे पास राइटर्स थे जैसा कि शेक्सपियर इन सबको वो इमिटेट करते थे इनकी कॉपी करते थे जैसे कि वो अपने लैंड्स के बारे में नेचर के बारे में लिखते थे तो इन्होंने अपनी लैंड्स के बारे में उनको इमिटेट करके वो चीज़ें लिखना शुरू कर दी सेकंड फेज में सेकंड फेज में उन्हें रियलाइज हुआ कि ये सब करने से तो उनकी अपनी जो उनका अपना कल्चर है जो उनकी अपनी लैंग्वेज है वो तो ख़त्म हो जाएगी सेकेंड फेज में इन्होंने ये रिफ्यूज़ कर दिया इंग्लिश लैंग्वेज को एक्सेप्ट करना लेकिन फिर थर्ड फेज में इन्होंने चीज़ें एक्सेप्ट करना शुरू की हाँ पिछली दो फेजेज में इनको कौन कंट्रोल कर रहा था ब्रिटिश कंट्रोल कर रहे थे तो इनको अलाव ही नहीं था कि ये अपनी मर्जी से कुछ लिख सके अगर कुछ लिखना भी होता था तो वो इम्पीरियल लाइसेंस के अंडर लिखते थे उनके डिमांड्स के मुताबिक लिखते थे तो जाहिर सी बात है वो उनको कॉपी करते थे या उन जैसा कुछ लिखते थे उनके खिलाफ तो लिख नहीं सकते थे या अपनी जिंदगी में जो कुछ चल रहा है उसको तो बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकते थे तो इन फेजेस में ये सब चलता रहा लेकिन थर्ड फेज में जब ये लोग हो गए सेपरेशन हो गई इनके ऊपर से ये ब्रिटिश का रूल खत्म हो गया तो फिर लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लिया और खुद से लिटरेचर राइट करना शुरू कर दिया उसको बोलते हैं न्यूली इमरजेंट लिटरेचर तो वही दो चीजें जो मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि इनके ऊपर कोलोनाइजेशन और माइग्रेशन के असर आते तो इनके लिटरेचर में भी ये चीज़ें नजर आती हैं तो अब हम देखते हैं इनके इम्पोर्टेंट थीम्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और प्रोमिनेंट थीम जो हमें नज़र आता है साउथ एशियन वर्क में वो है कलोनीलिज्म एंड पोस्ट कलोनीलिजम कलोनीलिज्म में आपको बता चुकी हूँ कि कोई भी एक रियासत पैसे या ताकत के ज़ोर पर अगर दूसरी रियासत को कंट्रोल करती है तो उसको क्या बोलते हैं कलोनीलिज्म और पोस्ट कलोनीलिज्म क्या होता है कि स्टडी ऑफ आफ्टर मैथ ऑफ कलोनीजम कलोनीलिज्म के बाद उस रियासत पर जिसको कंट्रोल किया जाता है उस पर क्या असरात हुए उसकी स्टडी को पोस्ट कलोनीलिज़म कहते हैं पोस्ट मतलब बाद में कलोनीज कलोनीलिज़म के बाद ठीक है तो जो भी हालात मामला हुए कलोनीलिज़म के बाद उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं पोस्ट कलोनीलिज़म उसके बाद हमारे पास आता है आइडेंटिटी एंड कल्चरल हेरिटेज आइडेंटिटी क्राइसिस कैसे क्योंकि आपको पता है माइग्रेशन हुई है तो लोग अपने जो लैंड्स हैं उनको छोड़ के दूसरी जगह माइग्रेट हुए तो आइडेंटिटी के इश्यूज तो रहते ही हैं इसी तरह साउथ एशिया में कल्चर डाइवर्सिटी है तो हर रीजन का कल्चर दूसरे से डिफरेंट है तो इसी तरह आइडेंटिटी के साथ साथ जो लोगों का कल्चर है वो भी अफेक्ट होता है उसके बाद नेक्स्ट थीम है हमारे पास डिसप्लेसमेंट एंड पार्टीशन ये चीज़ भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो सब कॉन्टिनेंट था उसमें पार्टीशन हुई तो लोगों को माइग्रेट करना पड़ा तो इसमें पार्टीशन और डिसप्लेसमेंट के इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं इन थीम्स में देन आता है जेंडर एंड वुमेन इश्यूज जैसा कि हमारे पास दूसरा ब्रिटिश लिटरेचर है उसमें भी फेमिनिज़म को हम प्रोमिनेंट थीम देखते हैं तो इसी तरह जो हमारा लिटरेचर है इसमें भी हमारे राइटर्स ने वुमेन राइट के बारे में बात किया तो ये भी इम्पॉर्टेंट थीम नज़र आता है नेक्स्ट थीम है हमारे पास रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी के बाद इसमें भी अगेन पार्टीशन का वो आ जाता है रोल कि जब पार्टीशन हुई तो बहुत सारे हिंदू जो हैं उसके बाद वो पाकिस्तान में रहे बल्कि आज तक रह रहे हैं और इसी तरह बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो उनको उस तरह से उतनी ज़्यादा रिलीजियस फ्रीडम नहीं जी जाती जितना उनकी लैंड में दी जाती थी तो जाहिर सी बात है जब ऐसी जगहों पे आपको रहना पड़े तो आपको कुछ ना कुछ मुश्किल होती हैं अपने रिलीजन को फ़ॉलो करने में सेलिब्रेट करने में तो ये भी थीम नज़र आता है फिर हमारे पास थीम आता है फैमिली एंड रिलेशनशिप एक साउथ एशियन जो कल्चर है इसमें फैमिली वैल्यूज़ को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है ठीक है और सेकेंडली इसमें भी पार्टीशन का एक और रोल है फैमिली एंड रिलेशनशिप के थीम में क्योंकि जब पार्टीशन हुई तो जो है वो सेपरेशन हो गई तो कुछ फैमिली के मेम्बर्स जो हैं वो एक कंट्री में रह गए बाकी दूसरे रह गए इस चीज़ से मैं खुद रिलेट कर सकती हूँ कि हमारे भी आबाव जदार नाइनटीन सिक्सटी फाइव की पार्टीशन में मेरे जो पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स हैं वो यहाँ पाकिस्तान आ गए और हमारे कुछ जो हैं रिश्तेदार वो इंडिया रह गए तो इतने टाइम के बाद भी इस चीज़ का असर हम पे रहता है तो जब न्यू पार्टीशन हुई थी तो उसके बाद भी लोगों पर इस चीज़ के असरा थे इस पार्टीशन के ड्रामा जो था उनके माइंड में था तो उस लिटरेचर में इस चीज़ का भी थीम नज़र आता है लोगों ने इस चीज़ के बारे में भी लिखा उसके बाद पॉलिटिकल स्ट्रगल ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी लव एंड रोमांस सोशल कस्टम एंड ट्रेडिशन रूरल वर्सेस अर्बन लाइफ ये चीज़ों के भी थीम हमें नज़र आते हैं साउथ एशियन लिटरेचर में आगे मैंने इंपॉर्टेंट साउथ एशियन राइटर्स उनके इम्पोर्टेंट वर्क और आगे वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ये लिखा है तो ये तकरीबन पच्चीस सॉरी पचास राइटर्स हैं तो आप इनको देख लीजिए तो हो सका तो मैं इन पर वीडियोज़ भी बनाऊँगी तो आज के लिए इतना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो